5.4.3 Limitations of partnership form of business organization. अब partnership form के characteristics देखें, merits देखें, अब उसके हम देखेंगे limitations, उसके drawbacks. A partnership form also suffers from certain limitations. These are as follows. Unlimited liability. The most important drawback of partnership firm is that the liability of the partner is unlimited. मतलब सबसे बड़ा drawback, सबसे बड़ा disadvantage partnership firm का ये है कि जितने भी partners होते हैं, उनकी जो liability है वो unlimited होती है. In essence, the partners are personally liable for the debt and obligations of the firm. In other words, their personal property can also be utilized for payment of firm's liability. मतलब अगर कोई liability या कोई debt firm pay नहीं कर पाया, तो वो liability और वो debt pay करने के लिए जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी लायबल है, वो भी यूज में ले सकते हैं वो लायबिलिटीज पे करने के लिए. इनस्टेबिलिटी. एवरी पार्टनरशिप फर्म हैज अनसर्टेन लाइफ. हर पार्टनरशिप फर्म का जो लाइफ होता है वो अनसर्टेन होता है, आगे क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं होता. द डेथ, इनसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी और द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर्स ब्रिंग्स द फर्म टू एन एंड. अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर वो इनसॉल्वेंट हो गया, मतलब कुछ उसको बीमारी हो गई, कुछ भी ऐसा, या फिर उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई, वो रिटायर हो गया, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म होगा वो एंड में आ जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा. भले दूसरे पार्टनर सही है, ठीक है, लेकिन एक पार्टनर का ऐसा कुछ रीजन आ गया वो फर्म छोड़ने का, तो पूरा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, एनी डिसेंडिंग पार्टनर कैन गिव नोटिस एट एनी टाइम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इतना ही नहीं, लेकिन अगर कोई पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है किसी के काम से, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है फर्म के अंदर, तो वो चाहे तो लीगल नोटिस देकर पूरे फर्म को डिसोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है, पूरे फर्म को खत्म कर सकता है. लिमिटेड कैपिटल. सीन द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 20. मतलब पार्टनर्स मैक्सिमम 20 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. The capacity to raise funds remain limited as compared to a joint stock company when there is no limit on the number of shareholders. मतलब 20 तक की partners होने चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो तब तक ही जो उनका fund होता है, उनकी जो capital है वो limited रहता है. लेकिन जो joint stock company होती है उनका fund बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर कोई limit नहीं है, जितने चाहे उतने आप stock holders रख सकते हो, shareholders. Non-transferability of share. The share of interest of any partner cannot be transferred to other partners or to the outsiders. मतलब जो किसी एक पार्टनर का जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब मेरा शेयर वो मेरी बहन को ट्रांसफर नहीं हो सकता, किसी बाहर वाले इंसान को ट्रांसफर नहीं हो सकता. So it creates inconvenience for the partner who wants to transfer his share to others fully or partly. मतलब मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरा जो शेयर है वो मेरी बहन को ट्रांसफर करना है, तो मैं नहीं कर सकती, इसीलिए वो मेरे को बहुत इनकन्वीनियंट होगा, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं आधा या पूरा कुछ भी अपना शेयर मेरी बहन को ट्रांसफर नहीं कर सकती, वो सही नहीं होगा, मतलब उसके कन्वीनियंट नहीं होगा पार्टनर के लिए. द ओनली अल्टरनेटिव इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. मैं शेयर नहीं कर सकती, तो कोई जो दूसरा अल्टरनेटिव है, जो दूसरा ऑप्शन है वो है डिसोल्यूशन, मतलब फर्म ही खत्म कर दो. Possibility of conflicts. You know that in partnership firm, every partner has an equal right to participate in the management. Partnership firm के अंदर जितने भी partners हैं उनको equal right होता है कि वो कोई भी चीज के अंदर equally participate कर सके जब चाहे तब. Also, every partner can place his or her opinion or viewpoint before the management regarding any matter at any time. मतलब कोई discussion हो रहा है या फिर कोई decision लेना हो, तो पार्टनर हर एक पार्टनर अपना व्यू पॉइंट रखेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, व्यू पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू वन एंड द सेम थिंग, अपना ओपिनियन रखेगा, सजेशंस देगा. बिकॉज ऑफ दिस समटाइम्स देयर इज अ फ्रिक्शन एंड क्वारल अमंग द पार्टनर्स. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मे गिव राइज टू क्वारल्स एंड लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सब लोग अपना सजेशन देंगे, सब लोग अपना दिमाग बुद्धि दौड़ाकर कुछ ना कुछ बातें करेंगे. जो किसी ने, मतलब मैंने किसी को कोई सजेशन दिया लेकिन सामने वाले को, मेरा जो पार्टनर, उसको सही नहीं लगा कि नहीं ये तो गलत, ऐसा नहीं हो सकता, और उसने जो मेरे को बताया सजेशन वो मैं ऐसे डिनाई कर दूंगी कि नहीं ये सही नहीं है, तो
खत्म तो रहेगी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, क्वारल होगा, और लास्ट में फॉर्म को डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसे राजी नहीं हो रहा, किसी की मेजोरिटी नहीं आ रही कोई भी एक डिसीजन पे, इसलिए क्योंकि मेजोरिटी नहीं चाहिए होता, हर एक का कंसर्न चाहिए होता है कि हर एक अग्री होना चाहिए वो एक ही डिसीजन पे। नेक्स्ट है 5.4.4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यू हैव लर्नड दैट नॉर्मली एवरी पार्टनर इन अ फर्म कंट्रीब्यूट्स टू इट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो। मतलब हर एक पार्टनर इक्वल कैपिटल आता है, जो भी रेशियो तय किया होता है, जो भी रेशियो डिसाइड किया होता है कि इस रेशियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, वो शेयर होता है, हर मैनेजमेंट एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है। हाउएवर इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर्स आर सपोज टू बी एक्टिव पार्टनर्स। मतलब हम ऐसे इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि हर एक पार्टनर को एक्टिव रहना होता है फर्म के अंदर। हाउएवर इन सर्टेन केसेस देयर आर पार्टनर्स हु प्ले अ लिमिटेड रोल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ कुछ पार्टनर्स होते हैं वो लिमिटेड रोल, मतलब कुछ कुछ काम के लिए ही एक्टिव रहते हैं, हर काम के लिए नहीं। They may contribute capital and such partners cannot be termed as active partners. वैसा हो सकता है कि वो पार्टनर सिर्फ कैपिटल ही कंट्रीब्यूट करता है, कोई अंदर का काम नहीं करता, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर नहीं कहेंगे। Similarly, some persons simply lend their name to the firm and make no contribution to capital of the firm. कुछ कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखवाते हैं पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन कैपिटल का कोई कंट्रीब्यूशन देते नहीं है। सच पर्संस आर पार्टनर्स ओनली इन नेम। ऐसे लोगों को कहते हैं पार्टनर्स ओनली इन नेम। दस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लायबिलिटीज एटसेट्रा पार्टनर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। मतलब प्रॉफिट कितना शेयर करते हैं या फिर लायबिलिटी कितनी शेयर करते हैं, कितने एक्टिव है, कौन से काम में एक्टिव है, उस हिसाब से उसके ऊपर से जो पार्टनर होते हैं उनको भी समराइज किया गया है, उनके भी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। अब जो रोज रोज के जो मैनेजमेंट है, रोज रोज की जो एक्टिविटी है, वो उसके ऊपर से दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर्स और एक होता है एक्टिव पार्टनर्स। The partners who actively participate in the day-to-day operations of the business are known as active partners or working partners. ऐसे partners जो रोज की day-to-day activities के अंदर participate करते हैं, अपना काम करते हैं रोज continuous, तो उनको कहेंगे हम active partner या फिर working partner. Those partners who do not participate in the day-to-day activities of the business are known as sleeping or dormant partners. ऐसे पार्टनर्स जो रोज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी कभार आते हैं, कभी कभार करते हैं, कुछ कुछ कामों के लिए करते हैं, उनको हम कहेंगे स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। सच पार्टनर्स सिंपली कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। स्लीपिंग पार्टनर्स और डॉर्मेंट पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस चीज के अंदर, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। Based on sharing of profits, the partners may be classified as nominal partners and partners in profit. अब profit के base पर, sharing के base पर जो partners होते हैं उनको कहते हैं nominal partners या फिर partners in profit. Nominal partners allow the firm to use their name as partner. They neither invest any capital nor participate in the day-to-day operations. They are not entitled to share the profits of the firm. However, they are liable to third parties for all the acts of the firm. A person who shares the profits of the business without being liable for the losses is known as partner in profit. जो nominal partners वो होते हैं जो सिर्फ अपने partnership firm के अंदर अपना नाम निकालते हैं, ना रोज रोज के activities में participate करते हैं, ना capital contribute करते हैं, ना profit लेते हैं, ना loss लेते हैं, सिर्फ उनका नाम होता है उसको कहते हैं nominal partners. A person who shares the profit of the business without being liable for the losses is known as partner. अब ऐसे इंसान जो सिर्फ profit share करता है, जो अगर फर्म को profit हुआ तो profit ले लेगा, लेकिन अगर loss हुआ
तो लॉस की भरपाई वो नहीं करेगा, ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द माइनर्स हु आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म एंड देयर लायबिलिटीज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये चीज पार्टनर इन प्रॉफिट्स उनके लिए है जो माइनर होते हैं, 18 के नीचे होते हैं, जो 18 प्लस नहीं होते, जो माइनर पार्टनर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उनकी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। उनको लॉसेस का उनको कुछ भरपाई नहीं करनी होती, लेकिन प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट ले सकते हैं। ऐसे सारे बेनिफिट्स होते हैं माइनर को, और ये जो पार्टनर इन प्रॉफिट भी सिर्फ माइनर ही बन सकते हैं। अब लायबिलिटी के बेसिस पर दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स एंड जनरल पार्टनर्स। द लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब लिमिटेड पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कितना कैपिटल रेज किया है। दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज फाउंड इन लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स इन सम यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए। ऐसे पार्टनरशिप फर्म और ऐसे पार्टनरशिप यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में ही मिलते, इंडिया में नहीं मिलता। द पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड एज जनरल पार्टनर्स और पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब ऐसे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, उनको कहेंगे जनरल पार्टनर्स या तो पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट मे बी नोटेड दैट every partner who is not a limited partner is treated as a general partner। मतलब जो भी limited partner नहीं है वो obviously unlimited partner होगी, general partner होगी, इसलिए कुछ ऐसे बड़े बात नहीं है, normal सा sentence है, पता नहीं दिया भी क्यों है। Based on the behavior and conduct exhibited, there are two more types of partners besides the ones discussed above। अब जो भी हमने ऊपर ऊपर जो भी पार्टनर्स के बारे में पढ़ा उनके अलावा भी और दो टाइप के पार्टनर्स हैं, वो है पार्टनर्स बाय एस्केपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। मतलब उनके बिहेवियर के ऊपर से जो बेसिस पे जो होता है वो होता है पार्टनर्स बाय एस्केपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब अ पर्सन हु बिहेव्स इन द पब्लिक इन सच अ वे एज टू गेट इंप्रेशन दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्केपल। अब ऐसे पार्टनर मतलब चलिए वो पार्टनर होते नहीं है लेकिन पार्टनर होने का दिखावा करते हैं, मार्केट में ऐसे ह्यूमर्स फैलाते हैं, ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, मतलब मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है ये वो, ऐसा करके सिर्फ ऐसा लोगों के दिमाग में से कचरा भरते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पार्टनर होता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे बताता है, जताता है कि वो पार्टनर है। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे पार्टनर बाय एस्टोबल, पर रियलिटी में वो लोग पार्टनर्स होते नहीं है। Such partners are not entitled to share profits of the firm, but are fully liable if somebody suffers because of his or her false representation. हाँ, उनको ना profit मिलेगा ना उनको loss भुगतना पड़ेगा, लेकिन उनकी गलत बातें बताने की वजह से, rumors फैलाने की वजह से किसी को नुकसान हुआ कोई third party को, तो उसकी जो भी भरपाई होगी वो उसको भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसके false, उसके गलत representation की वजह से उसको नुकसान हुआ। Similarly, if a partner or partnership firm declares that a particular person is a partner of that firm and such a person does not disclaim it, then he or she is known as partner by holding out। ab aisa partner ki jo partnership firm hai wo bol raha hai ki haan ye hamara partner hai, lekin wo partner mana kar rahe ki nahi main to partner hui nahi, wo disclaim karta hai, wo deny karta hai ki main to ye firm ka partner hui nahi, to aise partner ko hum kahenge partner by holding out। Such partners are not entitled to profits but are fully liable as regards the firm's debts। ऐसे partners को profit तो नहीं मिलता लेकिन अगर loss हुआ तो उसको loss की भरपाई जरूर करनी पड़ती है। उनके बिहेवियर
ऊपर से बेस से कि मतलब दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स बाय स्क्रबल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग कंपनी। अब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में तो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आई मीन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, वेयर इज लिमिटेड पार्टनरशिप हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब जो जनरल पार्टनरशिप है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर भी दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर एंड स्पेशल पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ जनरल पार्टनर इज अनलिमिटेड, वेयर इज लायबिलिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड। जनरल पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड होती है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उनको कहेंगे जनरल पार्टनर, और जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको कहेंगे स्पेशल पार्टनर्स। There should be at least one general partner in the limited partnership firm. अगर हमने limited, अगर किसी ने limited partnership firm create किया है तो उसके अंदर एक partner ऐसा होना चाहिए जो general होना चाहिए, जिसकी liability unlimited होनी चाहिए। सारे के सारे limited partners वाले partnership firm open नहीं कर सकते। Partnership at will and particular partnership. Partnership at will can be formed to run business for an indefinite period. Well, particular partnership can be formed for some specific purpose and it ends within the attainment of predetermined specific purpose. अब दो तरह की partnership इधर बताइए, एक है partnership at will और दूसरी partner particular partnership. Partnership at will का मतलब कि ऐसी partnership जो long term के लिए मतलब unlimited time के लिए चलती है जब तक किसी का death नहीं हो जाता या फिर कोई conflict की वजह से partnership from dissolve नहीं हो जाता, मतलब जब तक partnership का form automatically खुद से एंड नहीं आता तब तक पार्टनरशिप हम चलता रहेगा, उसको कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी होती है जिसका क्रिएशन ही कोई एक पर्पस के लिए हुआ होता है, कोई एक एम के लिए, कोई एक गोल अचीव करने के लिए हुआ होता है, वो पर्पस खत्म हो जाए, वो गोल अचीव हो जाए तो उसके बाद वो पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, उसको कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Legal and illegal partnership. Although it is not essential to get the partnership registered under Indian Partnership Act 1932 in order to bring it into existence, if the partnership organization have to work in accordance with the provisions of the Act. हाँ, जरूरी तो नहीं है कि partnership firm वो लोग legally open करें, legally create करें, लेकिन अगर legally किया है तो सही है, उनको उसके हिसाब से जो Act है ये वाला Indian Partnership Act उसके प्रोविजंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म इलीगल है फिर भी उनको ये जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से ही उनको उसके प्रोविजंस के हिसाब से ही उनको काम करना पड़ेगा। दोज पार्टनरशिप्स व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर कंसीडर्ड एज लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप्स। ऐसे पार्टनरशिप फर्म्स जो ये एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से काम करते हैं उनको कहते हैं लीगल पार्टनरशिप फर्म, और वो सारे होते हैं लीगल फर्म्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी partnership becomes illegal or non-statutory in the following conditions. And on the contrary, मतलब on the opposite side, ऐसे partnership firms कब illegal आते हैं वो? If the purpose of the establishment of partnership is illegal, अगर partnership firm create हुआ है, established हुआ है, कोई मतलब वो भले legal हो, वो ये provisions की हिसाब से चलता हो, लेकिन अगर वो ऐसे काम के लिए बना है जो illegal है, मतलब कोई black marketing या फिर drugs के लिए या फिर ह्यूमन मतलब कोई भी ऐसा कोई काम जो लॉ की नज़र में इलीगल है, हमारे इंडिया के लॉज की मतलब हिसाब से इलीगल है, तो वो पार्टनरशिप फर्म अपने आप इलीगल हो जाएगा, भले वो ये सारे प्रोविजंस के हिसाब से काम करता हो तो भी। इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो पब्लिक के अगेंस्ट होता है, पब्लिक के फेवर में नहीं होता, तो वो पार्टनरशिप फर्म वापस हो जाएगा इलीगल। If the number of partners reduces to one or exceeds the maximum limit, अगर partners मतलब दो तो होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा, लेकिन अगर वो partnership firm के अंदर सिर्फ एक ही partner है फिर भी वो illegal हो जाएगा, और अगर maximum 20 होने चाहिए तो 20 से ज़्यादा कुछ partners आ गए वो firm के अंदर तो
भी वो पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल हो जाएगा। इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, और अगर हम ऐसे देखे जाए तो इंडिया के भी फिलहाल एनिमी कंट्रीज है, एक चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। तो वो फर्म के अंदर अगर पार्टनर्स एनिमी कंट्री के हुए, मतलब पाकिस्तान या फिर चाइना के लोग वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हुए, तो भी वो पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाएगा। Suitability of partnership form of business organization. इसके पहले हमने sole proprietorship पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने sole proprietorship की suitability देखी थी। वैसे ही partnership form कहाँ कहाँ suitable है, कौन से areas में, कौन से matters में suitable है, वो हम देखेंगे। We have already learned that persons having different abilities, skill or expertise can join hands to form a partnership firm to carry on the business. हमने already पढ़ लिया कि अलग अलग टाइप्स की जिसके पास स्किल्स है, अलग अलग नॉलेज है, आई मीन नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, एबिलिटीज है, वो सब एक साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चालू कर सकते हो जिसका सबका बिजनेस चले अच्छे से। बिजनेस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा कैन बी सक्सेसफुली डन अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बिजनेसेस जैसे कंस्ट्रक्शन, लीगल सर्विसेज, फिर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के जितने भी बिजनेस है, वो सब अगर होंगे, मतलब वो सब सक्सेसफुली रन हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंडर। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सूटेबल वेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑफ मीडियम साइज। पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे भी सूटेबल है जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मीडियम साइज की है। दस बिजनेस लाइक अ होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, मर्सेंटाइल हाउसेज एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैन बी सक्सेसफुली रन बाय पार्टनरशिप फर्म्स। ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, मर्सेंटाइल हाउसेज, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सारे बिजनेसेस सक्सेसफुली रन हो सकते हैं अंडर पार्टनरशिप फर्म। ये सारे बिजनेसेस रन करने के लिए, ये सारे बिजनेसेस शुरू करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म सूटेबल है। नेक्स्ट है 5.4.6 partnership day. There must be an agreement among the partners to carry on the business and share the profit and losses. This agreement must preferably be in writing and duly signed by all partners. सारे partners के बीच में agreement हुआ होता है कि जितने भी, मतलब जितना जो profit होगा वो कौन से ratio में सबको divide होगा, जो loss होगा वो कैसे divide होगा, वो सारा एक agreement sign किया होता है। वो अग्रीमेंट राइटिंग में होता है, उसके ऊपर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने जरूरी है, वो प्रीफर हो। द अग्रीमेंट इन एसेंस द पार्टनरशिप डीड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। मतलब जो अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो अग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप डीड होती है जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला फर्म का जो नाम है वो, फिर बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कौन सा काम, क्या काम करने वाला है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स उनके नाम और उन सबके एड्रेसेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी जगह, उसका कौन सा लोकेशन है, क्या लोकेशन है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ डिसाइडेड। अगर पार्टनरशिप पर्टिकुलर काम के लिए, मतलब स्पेसिफिक रीजन के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो उसका टाइम होगा कि या तब तक, मतलब तब तक उतरे दिन तक उतरे साल तक नहीं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक चलती है। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप भी होती है जो 3 साल के लिए होती है, 4 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर ड्यूरेबिलिटी आपने अगर तय करी हुई है, नक्की करी हुई है कि 15 साल तक पार्टनरशिप को होना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो भी मैंशन करना चाहिए अगर डिसाइडेड है तो, अगर नहीं डिसाइडेड है तो कोई नहीं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो मैंशन होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कौन से रेशियोज में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है हर एक पार्टनर को। ड्यूटीज, पावर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर की ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और पावर्स अंदर मेंशन होने चाहिए। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर को कितनी सैलरीज मिल रही है, उन्होंने कितने विड्रॉ किए ज्यादा, वो सब भी मेंशन होना चाहिए। प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, उनके अकाउंट का प्रिपरेशंस और ऑडिटिंग पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म कैसे डिसॉल्व होगा उसका भी प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो सारे, अगर कोई डिस्प्यूट होगा वो कैसे सेटल होगा, उसका भी प्रोसीजर उसके अंदर मेंशन होना चाहिए।
get their firm registered with the registrar of the firms of the concerned state. जो भी स्टेट में रजिस्टर होते हैं उनके पास हमारा फॉर्म जो भी फॉर्म है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. although registration is not compulsory. वैसे जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. बट टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रजिस्ट्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड व्हेन इट इज अ सेटअप और एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस. लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई झगड़ा हो गया तो उसके लिए अच्छा है कि रजिस्टर्ड हो. अगर कोई नॉन रजिस्ट्रेशन कुछ जैसे एक्ट आया या फिर कुछ भी हुआ तो उसके लिए बेहतर है कि आप रजिस्टर करके रखो. द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज. अब जैसे हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर क्या क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करने के जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोसीजर क्या है उसका. The firm will have to apply to the registrar of firms of the concerned state in the prescribed form. The firm will have to apply to आपको जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म उनको जो स्टेट के अंदर जो रजिस्ट्रार है उनके पास जाना है और उन्हें जो भी बोला है, जिस तरह का फॉर्म बोले वो सारा लेकर जाना है, उन्हें जो भी कहें वैसा करना है. द ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स. जो भी फॉर्म के अंदर लिखा है जहाँ पर भी सिग्नेचर्स की जरूरत है उसके अंदर सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना जरूरी है. द फील्ड इन फॉर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स. अब जो अगर हम आगे जो ऑफिस है रजिस्टर्ड फॉर्म उसके अंदर जो भी उन्होंने फीस बोली है वो पे हो जानी चाहिए. द रजिस्ट्रर विल स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन एंड इफ ही एंड ही एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद ही विल पुट द नेम ऑफ द फर्म इन द रजिस्टर एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इट. अगर कुछ उसको गड़बड़ लगती है रजिस्टर ये गलत है या फिर ये लोग गलत काम करने वाले हैं, इसकी सिग्नेचर नहीं है, इसने पैसे नहीं दिए, इसने कम पैसे दिए, कुछ भी ऐसी गड़बड़ हुई तो रजिस्टर चाहे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, स्क्रूटिनाइज कर सकता है. लेकिन अगर रजिस्टर सेटिस्फाइड हो गया उनकी सारी फॉर्मेलिटीज के साथ, उनकी फीस के साथ, उनके जितने भी पेपर्स दिए थे, सिग्नेचर जो भी था वो अच्छे से हुआ, उन्होंने काम अच्छा किया, तो रजिस्ट्रार उनका फॉर्म का नाम रजिस्टर में लिख देगा, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा, दे देगा. हमने सबसे पहले पढ़ा था सोल प्रोप्रेटरशिप, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप. अब हम पढ़ेंगे 5.5 जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. After knowing about the sole proprietorship and partnership forms of business organization, let us now discuss about a unique form of business organization that prevails only in India and that too among the Hindus. अब हम पढ़ेंगे एक unique business organization के बारे में. unique मतलब वो सिर्फ इंडिया में होता है, वो भी सिर्फ हिंदूज लोग ही फॉलो करते हैं वो वाला फॉर्म. The joint Hindu family business is a form of business organization run by Hindu undivided family. Where the family members of three successive generations own the business jointly. अब ये JHF joint Hindu family ऐसा business organization है जिसके अंदर जो undivided family है, मतलब family का हर एक generation एक ही family में रहता है, वो लोग ये business चला रहे होते हैं. उसके हर एक मतलब जो तीन generation होते हैं वो तीनों तीन generation वो business के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको हम बोलेंगे joint Hindu family business form of business organization. The head of the family known as Karta manages the business. अब जो family का सबसे बड़ा इंसान होगा ना, जो head होगा ना, उसको हम कहेंगे Karta, जो business manage करता है, जो business handle करता है. The other members are called co-partners and all of them have equal ownership right over the properties of the business. जो दूसरे members हैं उनको हम कहेंगे co-partners और सबकी equal ownership होती है जितने भी properties हैं, जितना भी business है उसके ऊपर. The membership of JHF is acquired by the virtue of birth in the same family. जो membership है वो हम अगर वो family में जन्म लेते हैं तो हमारी membership automatically उसके अंदर registered हो जाती है, हमें कोई formalities, हमें कोई partnership मतलब कोई deed या कोई contract की जरूरत नहीं पड़ती. There is no restrictions for minors to become the members of the business. इसके अंदर जो माइनर्स होते हैं उनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोग ये मतलब ये बिजनेस के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मेंबर नहीं बन सकते. वो माइनर है फिर भी वो लोग मेंबर तो बन ही सकते हैं. एज पर दया भगत सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ
हुआ है कि जो भी फीमेल और मेल जो मेंबर होगा वो दोनों जॉइंटली ओनर होंगे, इक्वल ओनर होंगे. बट मीता कृष्णा सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ सेज ओनली मेन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बिकम द को-पार्टनर्स. लेकिन जो दूसरा एक लॉ है हमारा हिंदू लॉ जो कहता है मीता कृष्णा सिस्टम, उसके अंदर ऐसा लिखा है कि सिर्फ जो मेल मेंबर होता है, जो मेल होता है, जो लड़का होता है वो ही को-पार्टनर्स, मतलब वही सिर्फ बिजनेस में मेंबरशिप ले सकता है, मेंबर बन सकता है. लेकिन अगर वो फीमेल हुआ तो वो मेंबरशिप, उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी. While the Daya Bhaga system is applicable to the state of West Bengal, Mita Kshatriya system of Hindu law is applicable to the rest of the country. जो Daya Bhaga system है जिसके अंदर दोनों male female membership ले सकते हैं या फिर दोनों male female को membership मिल सकती है, जो है Daya Bhaga system वो सिर्फ West Bengal में applicable है, वो सिर्फ West Bengal में वो चीज चलती है. लेकिन जो Mita Kshatriya system है वो पूरे country में, इसके अंदर ऐसा है कि सिर्फ male लोग ही member, male को ही membership मिलेगी, female को नहीं मिलेगी. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की यूटिलाइज हो सकती है लायबिलिटी को फुलफिल करने में, पे करने में.
आते हैं ना जो भी करता है, ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो सारे को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जो करता मतलब करता और को पार्टनर सारे एक ही फैमिली में से, तो कोई लॉजिक ही नहीं कि उन लोग की लिमिटेड लायबिलिटी, उनकी भी अनलिमिटेड ही कह सकते हैं, क्योंकि उसके कर्ता के साथ साथ जो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो को पार्टनर्स की होगी और जो को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो कर्ता की भी होगी ही, क्योंकि सब लोग एक ही फैमिली के चुट्टे बुट्टे, एक ही फैमिली के लोग हैं, मेंबर्स हैं और एक ही फैमिली के चुट्टे बुट्टे। कंटिन्यूटी, डेथ ऑफ एनी को पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने सोल प्रोप्रेटरी में पढ़ा था कि जो जो बिजनेस चला है वो टपक गया, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो बिजनेस है वो एंड आ जाएगा, बिजनेस का एंड आ जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी की डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, फिर कुछ भी हो गया पार्टनर को, तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एच यू एस के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई, उसको कुछ हो गया, तो भी एच यू जो इन लोग का बिजनेस वो चलता रहेगा, एंड में नहीं आएगा, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होगा। इवन ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज द एल्डर ऑफ द को पार्टनर्स टेक्स पोजीशन ऑफ द कर्ता। अगर जो कर्ता है वो ही मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो भी बिजनेस का डिसोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो मतलब सेकंड सबसे बड़ा करता, उसके बाद जो आता होगा ना, जो सेकंड नंबर का होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो करता बन जाएगा। हाउएवर जीएचएस बिजनेस कैन बी डिसॉल्व आइदर थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट और बाय पार्टीशन सूट इन द कोर्ट। जीएचएस ऐसा नहीं है कि वो डिसॉल्व कभी हो ही नहीं सकता, वो हो सकता है अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट की जैसे उन्होंने सोचा कि अब ये बिजनेस करना नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं, इसमें पैसे भी मिलते नहीं, तो वो चाहे तो बंद कर सकते हैं। और दूसरा कि आप पार्टीशन कर सकते हो कि इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका, ऐसे करके पार्टीशन करके वो बिजनेस का डिसोल्यूशन आप कर सकते हो। मेरिट्स ऑफ जीएचएस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस क्या है जीएचएस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Since joining the family business has certain peculiar features is discussed above, it has the following merits. Assured shares in profits. Every co-personnel is assured of an equal share in the profits irrespective of his participation in the running of the business. जो भी co-personnel है उन सब को, जो भी जितने भी members है GHF के, उन सब को equal profit मिलेगा, भले वो लोग active मतलब actively participate करते हो business में या ना करते हो, लेकिन उनको उनका share तो मिलेगा ही। These safeguards the interest of minor, sick, physically and mentally challenged co-partners. इसलिए ये मतलब ये जो चीज़ है, ये जो फीचर है JHF का, वो ना और ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे लोगों को, उनका और इंटरेस्ट जगाता है ऐसे मेंबर्स को, ऐसे co-partners को जो माइनर होता है, मतलब 18 के नीचे होता है, 18 प्लस नहीं होता, जो बीमार होता है या जो फिर फिजिकली और मेंटली चैलेंज में, मतलब अगर मेंटली उनको उसको प्रॉब्लम हो या फिर फिजिकली मतलब हैंडीकैप हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, तो उनको इंटरेस्ट जगाता है, उनको और एक मोटिवेशन देता है कि हम उसके वो काम देखो पार्टिसिपेट करें, हम भी काम करें। क्विक डिसीजन, द कर्ता एंजॉयस फुल फ्रीडम इन द मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस, इट एनेबल्स हिम टू टेक क्विक डिसीजंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इसके अंदर क्विक एक फीचर है जो है क्विक, मतलब एक एडवांटेज है उसको, वो है क्विक डिसीजन, जिसके कर्ता जो होता है वो अकेला मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, दूसरे सारे काम करते हैं, और जो भी कोई अगर डिसीजन लेना तो दूसरे सारे का कोई काम नहीं होता वो डिसीजन लेने में, जो कर्ता होता है वो जब चाहे जितना जल्दी चाहे जितना लेट चाहे जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकता है, और उसकी वजह से अकेला एक इंसान होता है जिसको डिसीजन लेना होता है, इसलिए जो डिसीजन होता है वो बहुत क्विकली ले लेता है वो, मतलब उसमें कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं लगती। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अ जीएचएफ बिजनेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एल्डर मेंबर्स। इसके अंदर ऐसा भी एक बेनिफिट है कि जो एल्डर है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी वजह से जो नए यंग मेंबर्स हैं, न्यू मेंबर्स, उनको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, उनको नॉलेज मिलता है उनके बड़ों का। It also helps in inculcating virtues like discipline, self-sacrifice, tolerance, etc. उनके लिए अच्छे अच्छे virtues आ जाते हैं बड़ों की वजह से, एक्सपीरियंस लोगों की वजह से, जो है discipline, self-sacrifice, tolerance, etc. Limited liability of members. The liability of the co-personers except the kartha is limited to the extent of his share in the business.
जितने भी मेंबर्स उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की ही सिर्फ अनलिमिटेड होती है, वो भी एक बेनिफिट है। दिस एनेबल्स द मेंबर्स टू रन द बिजनेस फ्रीली जस्ट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ द कर्ता। इसलिए जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्रीली काम कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, जो वैसे मतलब उसके डिपेंड पर, मतलब जैसा कर्ता बोलते हैं वैसे, अपनी वजह से कुछ भी वो नहीं कर सकता, करते से बोले तो उसको वैसे ही करना पड़े, लेकिन वो फ्रीली कर सकता है अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता। बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज आर एट स्टेक इन द केस ऑफ बिजनेस फेल्स टू पे द क्रेडिटर्स। दिस क्लॉज ऑफ जेएचएफ बिजनेस मींस द कर्ता हैज टू मैनेज बिजनेस मोर कैरफुली एंड एफिशिएंटली। जो करता है वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर वो क्रेडिटर्स को अच्छे से पे नहीं कर पाया, लायबिलिटी के फुल्ली पे नहीं कर पाया, तो जो भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसको बेचना पड़ेगा उसको। इसीलिए ये चीज़ की वजह से जो करता है उसका काम ज़्यादा केयरफुली, ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे से वो बिजनेस को मैनेज करता है। जितना
करना चाहे अपना पावर यूज करें, अच्छे से यूज करें, या फिर उसका मिस यूज करें, क्योंकि उसको वो अकेला ही मैनेज बिजनेस मैनेज करता है, तो वो चाहे तो उसका मिस यूज भी कर सकता है अपने पावर का, अपने खुद के पर्सनल रीजंस के लिए भी, सेल्फिश मोटिव के लिए भी। इनस्टेबिलिटी, द कंटिन्यूटी ऑफ JHF बिजनेस इज ऑलवेज अंडर थ्रेट, अ स्मॉल रिफ्ट इन द फैमिली विल लीड टू सीकिंग पार्टीशन। पहले हमने पढ़ा कि जो उसकी स्टेबिलिटी ना वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, वो खत्म ही नहीं होती, क्योंकि मेंबर्स बढ़ते जाते हैं ना फैमिली के, अगर कर्ता मर गया तो कोई दूसरा कर्ता बन जाएगा, उसके बाद वाला जो होगा इंसान वो बन जाएगा। लेकिन लिमिटेशन में ऐसा दिया है, वो मतलब जो JHF है वो दो रीजन की वजह से रिजॉल्व होता है, जो एक है कि सब लोग म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब सब अग्री होती है कि हाँ ये बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, इसमें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, हमारा लॉस ही हो रहा है, तो हम ये बिजनेस बंद करके कुछ नया शुरू, तो उसकी वजह से वाला बिजनेस म्यूचुअल अग्रीमेंट के वजह से वो डिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर फैमिली के अंदर कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ डिस्प्यूट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गई, कोई राइवलरी हो गई, तो पार्टीशन हो जाएगा बिजनेस का, तो उसकी वजह से भी वो बिजनेस डिजॉल्व हो जाएगा, वो भी एक रीजन है। तो इसकी इंस्टेबिलिटी एक थ्रेट होती है, ऊपर ने ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, एक थ्रेट होता है कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अगर फैमिली में कुछ गड़बड़ आ गई, झगड़ा हो गया, कॉल हो गया, तो बिजनेस का पार्टीशन करना पड़ेगा और बिजनेस डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए इंस्टेबिलिटी होती है। सूटेबिलिटी ऑफ JHF फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब वो बिजनेस जो JHF है वो कौन सी जगह पे सूटेबल है, हम कौन से बिजनेसेस JHF के थ्रू क्रिएट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट इन द फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल बट द फैमिली इनहेरिट्स अ रनिंग बिजनेस एंड द मेंबर ऑफ फैमिली वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस जॉइंटली एज अ फैमिली बिजनेस। अब JHF बिजनेस वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे जो फैमिली मेंबर है वो रनिंग बिजनेस के अंदर अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और ऐसे मेंबर जो अग्री है कि हाँ ये बिजनेस सही है, हम ये बिजनेस चलाएंगे, मतलब जो चाहते हैं कि ये बिजनेस चले, वो तो ही JHF बिजनेस फॉर्म, वहाँ ही JHF बिजनेस फॉर्म सूटेबल है। इवन अदरवाइज दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड सूटेबल फॉर अ बिजनेस दैट रिक्वायर्स लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज एंड हैविंग अ वेरी लिमिटेड एरिया फॉर ऑपरेशन। ये भी सूटेबल है जहाँ पे जो कैपिटल है, जो रिसोर्सेज है, बहुत लिमिटेड चाहिए होते हैं, और जो मैनेजरियल स्टाफ है, मैनेजरियल रिसोर्सेज है, वो भी लिमिटेड, की एक ही जन तो होता है मैनेज करने के लिए, तो ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे ये सब लिमिटेड चाहिए होता है, और जहाँ पे जो काम करने का जो एरिया होता है वो भी कम होता है। इट इज फाउंड दैट JHF आर यूजुअली एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेसेस, इंडिजीनियस बैंकिंग, स्मॉल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट। अगर देखा गया है कि जो JHF है वो कोई क्राफ्ट इंडस्ट्री में, स्मॉल इंडस्ट्री में, इंडिजीनियस बैंकिंग में, या फिर कोई ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहता है जनरली। अब है 5.5.5 फॉर्मेशन ऑफ JHF फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें सबसे लास्ट में कि JHF एक्चुअली फॉर्म होता कैसे। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। जो JHF है वो जो हिंदू लॉ है उसके प्रोविजन के हिसाब से फॉर्म हुआ होता है, एग्जिस्टेंस में आया होता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस। वो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब जो जिस इंसान ने सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में ये बिजनेस एस्टैब्लिश, ये बिजनेस की शुरुआत की हो, वो इंसान मर जाए, उसके बाद जो इंसान आएगा तब से उसके बाद से JHF का फॉर्मेशन होगा। हिज सक्सेसर ऑटोमेटिकली बिकम द को-पार्टनर्स इफ दे डिसाइड टू कंटिन्यू इट एज अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। अब जो उसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने आप को पार्टनर्स बन जाते हैं, जब वो डिसाइड करते हैं कि जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी एक बिजनेस के अंदर मेंबर बने, जॉइंटली काम करें। द चिल्ड्रन बिकम इट्स मेंबर्स बाय बर्थ। जो बच्चे होते हैं जब ऐसे बेबी बॉर्न होता है तभी वो उस JHF का मेंबर अपने आप बन जाते हैं, उसकी बर्थ की वजह से वो मेंबर बन जाते हैं। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम द कर्ता ऑफ द बिजनेस।
जो इंसान फैमिली में सबसे बड़ा है, सबसे बुजुर्ग है, सबसे सबसे सीनियर है, वो ये बिजनेस का करता होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई भी लीगल प्रोविजंस की जरूरत नहीं होती इसको क्रिएट करने में, उसको एस्टैब्लिश करने में। बट इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू अवेल द टैक्स कंसेशंस इन योर। लेकिन ये इसका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए, जिसकी वजह से टैक्स कंसेशन है वो हो सकता है।